नमस्कार, मैं निकिता कश्यप। स्वागत है आपका भारत न्यूज टीवी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। खबर मध्य प्रदेश के सलकनपुर से। कई स्थानों पर लगे बड़े बड़े पांडाल, धर्म प्रेमी कर रहे पैदल यात्री भक्तों की सेवा। 15 वर्षों से ग्राम बौरखेड़ा कला के ग्रामीण रखते हैं विशाल भंडारा, कर रहे सलकनपुर पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा। नगर एवं क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े पंडाल लगाकर धार्मिक आस्था में लीन श्रद्धालु द्वारा पैदल यात्रियों की सेवा कर रहे हैं, जिसमें कहीं चाय तो कहीं फलाहार, सावधानी की खिचड़ी की प्रसादी निःशुल्क वितरण कर रहे, तो कहीं जल पिलाया जा रहा है, जिसमें अधिकतर नव युवकों में पैदल यात्रियों की सेवा का उत्साह देखा जा रहा है। वहीं ग्राम बौरखेड़ा कला के ग्रामीण मिलजुल कर सभी के सहयोग से लगभग 15 वर्षों से माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है एवं माँ बीजासन देवी धाम सलकनपुर पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करते आ रहे हैं। और ग्रामीणों द्वारा इस वर्ष भी बस स्टैंड बौरखेड़ा कला के पास पंडाल लगाकर दूर दूर से पैदल आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा की जाती है, जिसमें विशाल भंडारा एवं चाय, नाश्ता, फलाहार, भोजन, इसके अलावा वहां पर आराम करने के लिए भी व्यवस्था श्रद्धालुओं को मुहैया कराई जा रही है। वहीं जब ग्रामीणों से बात की, उन्होंने बताया कि हमें इस प्रकार की प्रेरणा हमें राजस्थान के लोगों से मिली। जब बाबा रामदेव के दर्शन करने वाले पैदल राजस्थान जाते थे, तो राजस्थान के लोगों द्वारा अनेक स्थानों पर पैदल यात्रियों का स्वागत किया जाता है। इसके बाद हमारे मन में भी ये बात आई कि क्यों ना हम भी माता रानी के दरबार में जाने वाले भक्तों की सेवा कर पूर्ण लाभ लें। इसके बाद से ही ग्राम ब्यूरो बौरखेड़ा में प्रतिवर्ष भंडारा रखा जाता है और सभी लोग निस्वार्थ भाव से माता रानी के दरबार में जाने वाले पैदल यात्रियों की सेवा कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। 15 वर्षों से यहाँ पे ग्राम पंचायत बौरखेड़ा कला में माँ नवदुर्गा उत्सव समिति ग्राम बौरखेड़ा कला बस स्टैंड पर यहाँ पे 15 वर्षों से माँ भगवती की स्थापना होती है एवं यहाँ पर 24 घंटे भंडारे का कार्यक्रम चलता है। नसरुल्लागंज से पवन महेश्वरी की रिपोर्ट। ये थी आज की ताज़ा खबर। देश और दुनिया की और ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए भारत न्यूज़ टीवी के साथ। नमस्कार।